जित दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। अब मैं आपके सामने एक कविता, छोटी सी कविता है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये हरी हरियाली आला, हरी भरी हरियाली आला, फल फूलों की डाली वाला, अट्टे कट्टे लोग यहाँ के, अट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना। दिख भी रहा होगा आपको, यह मेरा हरियाणा। सर बोल रहे थे मेरे को, हसमुख भाई बोल रहे थे गुजरात से, क्या क्या खाते हो? आज मैं बता रहा हूँ कि क्या खाता हूँ। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे वो नहीं है, मूछ नहीं है। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गड़े तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेंचो वाली, सिर पर पगड़ी पेंचो वाली, सीधा साधा बाणा, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली भीर, घाघरे घूंघट वाली भीर, पनघट्टे पर लियावे नीर, घाघरे घूंघट वाली नीर भीर, पनघट्टे पर लियावे नीर, मार मुंडासा मार मुंडासा, खेत कमावे देश पहन मर्दाना, वेश पहन मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों आला, भीम बली से वीरों आला, अर्जुन कैसे तीरा आला, भीम बली से वीरा आला, अर्जुन कैसे तीरा आला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। थैंक यू। जित दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। अब मैं आपके सामने एक कविता, छोटी सी कविता है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ये हरी हरियाली आला, हरी भरी हरियाली आला, फल फूलों की डाली वाला, अट्टे कट्टे लोग यहाँ के, अट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना। दिख भी रहा होगा आपको, यह मेरा हरियाणा। सर बोल रहे थे मेरे को, हसमुख भाई बोल रहे थे गुजरात से, क्या क्या खाते हो? आज मैं बता रहा हूँ कि क्या खाता हूँ। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे वो नहीं है, मूछ नहीं है। मर्द मुछैल यहाँ के छोरे, गड़े तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेंचो वाली, सिर पर पगड़ी पेंचो वाली, सीधा साधा बाणा, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली भीर, घाघरे घूंघट वाली भीर, पनघट्टे पर लियावे नीर, घाघरे घूंघट वाली नीर भीर, पनघट्टे पर लियावे नीर, मार मुंडासा मार मुंडासा, खेत कमावे देश पहन मर्दाना, वेश पहन मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों आला, भीम बली से वीरों आला, अर्जुन कैसे तीरा आला, भीम बली से वीरा आला, अर्जुन कैसे तीरा आला, गीता का उपदेश दिया जो सुना सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा, यह मेरा हरियाणा। थैंक यू। थारी साथना। उसके बाद सकरात का त्योहार होता है, और सबसे जो लास्ट होता है होली का त्योहार होता है दिवाली के बाद। और जो होली का त्योहार होता है उसको ये कहा जाता है कि जो होली है वो बरगले की जोड़ी, यानी कि इसके बाद कोई बड़ा त्योहार हरियाणा के अंदर मनाया नहीं जाता। इसके बाद मैं मैडम स्नेह मैडम ने कहूंगी कि मैं आकर हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी दें। हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, जिनमें प्रमुख खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड व विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा।
और धाकड़ गर्ल के नाम से मशहूर गीता फोगाट ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को गोल्ड दिलाने वाली वो प्रथम महिला बनी। कपिल देव जैसे महान क्रिकेटर इसी पांव धरती पर जन्मे हैं और बाकी खिलाड़ियों में नाम गिनाने जाऊं तो इतने नाम हैं कि पूरा दिन ही निकल जाए, लेकिन कुछ जो प्रमुख हैं उनके नाम मैं ले रही हूं, जैसे विजेंद्र सिंह, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, साइना नेहवाल, रितु रानी, संतोष यादव, अजय जडेजा, कर्णम मल्लेश्वरी, युजवेंद्र चहल आदि अनेक खिलाड़ी हैं। फिर अगर बात करें सूरज कुंड का मेला, किसी ने नाम सुना है? इंटरनेशनल ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला लगता है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, जिसको हम सूरज कुंड का मेला कहते हैं। तो जो ये मेला है ये इंटरनेशनल लेवल का होता है, सब अपने अपने अलग अलग राज्य के, इंडिया के नहीं, बाहर के भी कुछ देश इसमें आते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं, अपना ही प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन से हैं हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में गुजरी महल है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महल है, पुराने राजा महाराजाओं के समय का है। और पानीपत का नाम सभी ने सुना होगा। हाँ, पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? तीन हुए थे। तो जो पानीपत के जहाँ पर तीनों युद्ध हुए थे, घमासान जो युद्ध हुए थे, वहां पर जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो है काड़ा आम, और वो जगह है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। तो वो एक बहुत ही देखने के लिए एक अच्छा स्थान है। सलारगंज गेट, देवी तला का मंदिर, ये सारे पानीपत के प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे घूम सकते हैं। पिंजौर में मोरनी हिल्स बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सुखना लेक बहुत ही प्रसिद्ध है। रोहतक के अंदर मैम की बावड़ी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यो था हमारा हरियाणा। राम राम सारा ने। उम्मीद करती हूँ सारा ने बढ़िया लग गया होगा हरियाणा, ठीक लगा होगा घूमने में। ये श्लोक हमारी गीता की पुस्तक, पवित्र पुस्तक में से लिया गया है, और जहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वो उपदेश हरियाणा की पावन भूमि में दिया गया। कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहाँ पर ये उपदेश दिया गया। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की विशेषता बताते हैं, कर्म की महत्ता बताते हैं हमारे जीवन में, कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म अपनी पूरी तन्मयता से करना चाहिए, उसका फल भगवान हमें जरूर देता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भगवान जरूर देता है। तो कर्म ही पूजा है, ये जो श्लोक है ये गीता में दिया गया है, जो हरियाणा की जन्मभूमि से ही दिया गया है। धन्यवाद। होगी खत्म कहानी न मिलती कोई चीज पुरानी ना, पहले आड़ी हवा रही ना, पहले आड़ा पानी, होगी खत्म कहानी न मिलती कोई चीज पुरानी, पहले कोई ठाट ना रहे, जोड़ ऊपर नाया करते घाट ना रहे, करती रहे बाट ना रहे, धोती खटे आले इब जाट ना रहे, धोती खटे आले इब जाट ना रहे, पैदल चलते छाया करते बाट ना रही, बाल का पे पड़ा करती डाट ना रही, दरवाजे में गली वोई खाट ना रही, गाम के मैं बाणिया की हाट न रही, गाम के मैं बाणिया की हाट न रही, पत्थर ऊपर बैठ के वो खाना
के वो गाना न रहा, टोलिया में बैठ के वो गाना न रहा, दमन पैर चला करती हीर न रही, अरे ऊपर बया करती खीर न रही, धान और भाई आली भीर न रही, पहले आले रांझे और हीर न रही, पहले आले रांझे और हीर न रही, दरवाजे पे लगे बत्ती वाड़ न रहे, बैल गाड़ी धुए और भाड़ न रहे, पहले वाले घोड़े और गाड़ न रहे, चोर चोले गाया करते पाड़ न रहे, चोर चोले गाया करते पाड़ न रहे, पहले आड़ा कोई खेल न रहा, आपस के में भैया का वो मेल न रहा, बहुत कम रह गए मानस खेल न रहा, बहुत कम रह गए मानस।